प्रतापगढ़ से इस वक्त की आ रही बड़ी खबर। डीएम की बड़ी कार्रवाई, प्रतापगढ़ शहर स्थित जामा मस्जिद इलाके और रानीगंज तहसील में डीएम ने लगाया कर्फ्यू और किया शहर की सीमा सील। 3 जमाती का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कल 11 जमाती का सैंपल भेजा गया था, जिसमें कोरोना की जांच के लिए लखनऊ 3 जमाती का कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। लोगों में हड़कंप मच गया है। सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जमाती उत्तराखंड राज्य के देहरादून के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही रानीगंज कोतवाली पुलिस ने देहलूपुर के जामा मस्जिद से 11 जमातियों को किया था गिरफ्तार। जिला चिकित्सालय में रखा गया था। सभी 11 जमाती 18 और 19 मार्च को दिल्ली की जमात में शामिल होने के उपरांत प्रतापगढ़ आए थे। जिले में पहली बार 173 मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद इमरान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर जिले के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग की नींद हराम हो गई है। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए अलग शिफ्ट कर दिया गया है। प्रतापगढ़ से निर्मल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, प्रतापगढ़ में कितने लोगों की का टेस्ट हुआ था जो तबलीगी जमात से आए थे, और कितने पॉजिटिव मिले और अलग से कौन से मरीज हैं? तबलीगी जमात से कुल 14 लोग देहलूपुर में रखे गए थे, नरसिंहगढ़ में, जिसमें 14 लोग रखे गए थे, जिसमें से 11 लोग 17 तारीख को आए थे और 4 लोग जो है और पहले के आए हुए थे। इन पहले उसमें जो है 11 की टेस्टिंग हुई, जिसमें 3 पॉजिटिव आए हैं। तीनों को हम लोग COVID-1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं और जो शेष 8 हैं उनको देहलूपुर में भी क्वारंटीन किया जाएगा। जो इनके साथ रह रहे बाकी 4 बच रहे हैं उनका भी टेस्ट हम लोग आज ले रहे हैं, उसको भी टेस्ट के लिए भेजेंगे। यहाँ एक समस्या खड़ी होती है सर, कि इनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं, जो जिस गांव में रहे हैं, वहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ये नरसिंहगढ़ के ही 2-3 मस्जिदों में 4-4, 5-5 की टोली में लोग रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनकी की जा रही है, लेकिन पूरे गांव को नरसिंहगढ़ के पूरे गांव को उसके 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के, क्योंकि एक साथ 3 हैं तो हम लोग 3 किलोमीटर के एरिया लेंगे और उसमें क्लस्टर मानते हुए 3 किलोमीटर एरिया में घर से घर की सर्वे करेंगे, घर से घर की सैनिटाइजेशन करेंगे, घर से घर की साफ़ सफाई और सारी कार्रवाई संक्रामक रोग नियंत्रण की जाएगी।